अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो हम बनाने जा रहे हैं तो ये बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं, तो बच्चे स्पेशली खुश हो जाएं, क्योंकि बच्चों की आंटी जो बनाने जा रही हैं वो बनाने जा रही हैं क्रिस्पी पोटैटोस मसाला पोटैटोस। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता देती हूँ इसके मसाले। आलू मैंने पहले से बॉईल करने रख दिए हैं, और ये देखिए आलू मेरे बॉईल हो रहे हैं। इसको मैंने लंबाई कटिंग में काट लिया था अच्छी तरह वॉश करके। अच्छा, हमें छिलके नहीं उतारने हैं, छिलके समेत हमने इसको बॉईल करना है। अब ये 10 मिनट लेंगे, हमारे बॉईल हो जाएंगे। मैं आपको इसके मसाले बता देती हूँ। ये है कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, और ये है चावल का आटा। अगर चावल का आटा नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन चावल के आटे से ये थोड़े क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ हमने लिया है मैदा, यहाँ हमने लिए पिसी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, यहाँ मैंने कश्मीरी मिर्च लिए हैं लाल, यानी कि मुझे कलर वाले बनाने, तो मैंने कलर के लिए यहाँ लाल मिर्चें ली हैं। ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया ऑर्गेनो, यहाँ मैंने लिया लहसुन अदरक का थोड़ा सा पाउडर, एक साथ मिक्स कर लिया। 1 चम्मच लहसुन का पाउडर है, 1 चम्मच अदरक का पाउडर है, इसी में मिक्स कर लिया। यहाँ मैंने ले लिया 1 चम्मच भर के चाट मसाला, और यहाँ मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है नमक। ठीक है, तो ये देखें, पहले हम इसमें डालेंगे बाउल में अपने कॉर्नफ्लोर, इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। फिर हम डालेंगे चावल का आटा, चावल का आटा हमारे पोटैटोस को थोड़ा क्रिस्पी कर देगा, और ये बहुत मज़े के बनते हैं, और बच्चे तो बहुत, बच्चे क्या बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। और यहाँ हम लेंगे मैदा फ्लोर, फिर हम इसमें डालेंगे अपनी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए जो हमने ली है, यहाँ हम डालेंगे पिसी हुई मिर्ची अपनी टेस्ट के हिसाब से, यहाँ हम डालेंगे नमक, यहाँ हम डालेंगे चाट मसाला, ये अदरक लहसुन का पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, और ऑरेगानो ये हमने डाल दिया है इसमें। ये थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर हमने ऑयल डाला, इससे भी बहुत अच्छा बैटर तैयार होता है। अब हम अपना नॉर्मल वाटर जो होता है हमारा रूम टेम्परेचर पे, हम वो ले लेंगे और इसको हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया। बैटर हमारा ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी फालतू बैटर हो वो आलू के अंदर से निकल जाए, तो वो हमारा बैटर बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, ये देख सकते हैं पोटैटो मैंने निकाल लिए, पोटैटो बिल्कुल हमारे रेडी हैं। बस हमने इसको फ्राई करना है इस मसाले में डिप करके, लेकिन थोड़े से ही ठंडे हो जाएं तो फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। आलू हमारे हो चुके हैं, अब ये देखिए मैं बैटर में इसको डालती हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखें, ये आलू हमने उठाया है, हमने इसको बैटर में डाला है, और ये देखें सारा जो हमारा फालतू है वो हमारा निकल के आ गया। तो हम इस तरह इसको डाल देंगे, तेल मैंने पहले से गर्म करने रखा था, हम इस तरह से सारे डाल देंगे। ये देखें हमारे होना शुरू हो गए हैं, इस तरह से ब्राउन हो जाएंगे, क्योंकि पोटैटो तो हमारे बिल्कुल रेडी हैं गले में, बस हमने इस मसाले में इसको करना है, और इसके बाद में जो इसके ऊपर मसाला हम छिड़केंगे चाट मसाला, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अगर आपने बच्चों को देना है तो चाट मसाला आप नहीं डालिएगा, क्योंकि इसमें भी स्पाइसेस हैं, और अगर बच्चों को पसंद है तो आप दे सकते हैं। इस स्टेज पर आके जो है हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी, कलर भी देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया इसका। अच्छा जी, यहाँ हमारे ये रेडी हो चुके हैं, हम कर देंगे फ्लेम ऑफ, और हम ये जितने भी पोटैटोस हैं इसको निकाल लेंगे, तैयार हो गए हैं। अच्छा जी, ये पोटैटोस हमारे तैयार हो गए, लेकिन अभी रेडी नहीं हुए हैं, हम इसका मसाला भी बनाएंगे। ये देखें, ये है 1 चम्मच भर के हम लेंगे अमचूर। अच्छा, फिर हम लेंगे ये काला नमक, मैंने लिया है नमक नहीं लिया, काला नमक हम लेंगे। फिर हमने ये ली है चाट मसाला, लिया है 1 चम्मच हमने लिए, मेरे में पठानों की बोली आ गई आजकल। अच्छा, ये हाँ हमने लिया है पिसी हुई मिर्ची, हमने ले ली है यहाँ पर, और यहाँ हमने काली मिर्ची ली है, ये हम इसका मसाला बनाएंगे, ये इसके ऊपर छिड़केंगे हम। अच्छा जी, ये मसाला मेरा रेडी है, और ये आप लोग किसी भी हलीम वगैरह में किसी में भी डाल के खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त मसाला बना है। और ये देखें, अब मैं इसमें छिड़क दूंगी, बस ये मैंने इस पर थोड़ा सा छिड़क दिया है, अब मैं इसको अच्छी तरीके से कवर करके
और अच्छा जी ये थोड़ा सा जो है हम पिच थोड़ा सा वन पिच हम इसको छिड़क देंगे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए और इसकी स्मेल इतनी ज़बरदस्त आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़े का है। आप इसको केचप के साथ खाएं, इमली की चटनी के साथ या पुदीने की चटनी के साथ, बहुत ओसम है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिए क्योंकि इस वक्त मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।